राइट क्लिक रिफ्रेश। राइट क्लिक करते हैं तो ये कुछ मेनू खुलता है। तो आपको जानकारी है कि ये बनता कैसे है? इसको बोला जाता है कॉन्टेक्स्ट मेनू। चलिए मैं बना के दिखाता हूँ आपको कि ये बनता कैसे है। चालू है, हाँ, इक्लिप्स ओपन, मैनेज स्टूडेंट। पहले तो मैं अपना ना सर्वर में ऑन कर लेता हूँ। चलो इस चालू है जो माई एस की वाले। अब चलो इसको मैं कर देता हूँ राइट क्लिक करके रन। सिस्टम थोड़ा स्लो है। राइट क्लिक रन एज एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन कर दिया मैं, खोलना है जल्दी। हाँ, अब मैं चाहता हूँ कि इसी में किसी को सेलेक्ट करूँ और राइट क्लिक करूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है कि रिकॉर्ड को आप डिलीट करना चाहते हैं या नया रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं, इस तरह का कुछ ऑप्शन है। तो चलिए बना के देखते हैं ये बनेगा कैसे। मैं इसी पे डबल क्लिक, गलती हो गया थोड़ा, डबल क्लिक करता हूँ मैं इसी पे। जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो हमारे सामने ये क्लास ओपन हो के आ गया। तो मैं क्या करूँगा, जे पी ओ पॉपअप मेनू होता है ये, पॉपअप मेनू नाम से क्लास है जावा के अंदर। जल्दी से कैलकुलेट करके ओपन कर दे भाई। इंटेलिजेंस मेरा वर्क थोड़ा स्लो कर रहा है। नीचे जो ओपन होता है ना, दिखाई देता है ये सब विंडो, तो इसको इंटेलिजेंस बोला जाता है। कई बार कुछ गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखना थोड़ा। मेनू ये कर दिया मैंने। अब आऊँगा नीचे, यहाँ पे मैं करूँगा मेनू इक्वल टू न्यू पॉपअप मेनू। बंद कर देता हूँ मैं इसको, सॉरी ये सेमी कॉलन। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो हमारा मेनू मेन मेनू बन चुका है। अब इसके बाद राइट क्लिक होने के बाद उसमें क्या क्या आइटम दिखेगा हमें ये भी निर्धारण करना है। तो इसको कैसे निर्धारण करेंगे, देखो मैं क्या करूँगा। एक होता है मेनू आइटम, जे मेनू आइटम, मेनू आइटम, और हम आइटम को ले लेंगे। ये है पॉपअप मेनू, तो मेनू आइटम ले लेंगे। मैं एक मिनट रुको, मेरी बैटरी लो हो गई है, मैं चार्ज में लगा के फिर मिलता हूँ। इसको रोक दें, जे मेनू आइटम में ले लेता हूँ। जे मेनू आइटम यही वाला है, देखो जे मेनू आइटम डॉट क्या करते हैं हम यहाँ पे, ऐड रिकॉर्ड, ऐड रिकॉर्ड इक्वल टू न्यू मेनू आइटम। अब इसी के अंदर मैं पास कर दूंगा ऐड स्टूडेंट, एड स्टूडेंट, सेमी कॉलन दे दिया। अब फिर क्या करूँगा, मेनू डॉट एड, मेनू के अंदर हमें किसको ऐड करना है, इसको ऐड कर देना है। ये लो जी मैंने ऐड कर दिया, ये बन के रेडी हो गया। अब मुझे क्या चाहिए कि जब मैं राइट क्लिक करूँ, आप समझ रहे हो, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके रन करता हूँ पहले। जब मैं राइट क्लिक करूँ इस पे, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँ, और सेलेक्ट होने के बाद राइट क्लिक करूँ मैं, तभी तो रिकॉर्ड सेलेक्टेड होगा ना, अन्यथा मैं इसे कहीं पे भी राइट क्लिक कर दूंगा तो सही नहीं होगा। तो मैं राइट क्लिक करूँ सेलेक्ट करके, उसके बाद ओपन होना चाहिए, मतलब इवेंट परफॉर्म होगा यहाँ पे कुछ। तो मैं आता हूँ लिसनर के अंदर, और मैनेज स्टूडेंट का मैंने मैनेज लिसनर नाम से बनाया था। तो हमें यहाँ पे काम किससे करना है, माउस के रिलेटेड काम करना है। तो यहाँ पे माउस लिसनर जैसा होगा कुछ, MOU माउस लिसनर मिल जाए भाई, माउस लिसनर। यहाँ पे मोशन लिसनर है, व्हील लिसनर है, मेरे को माउस लिसनर चाहिए, तो माउस लिसनर ले लेता हूँ मैं।
अभी कहेगा जी एक्शन इम्प्लीमेंट करो, ठीक है कर देंगे। ये देखो माउस का क्लिक लिसनर यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आया और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ई डॉट गेट बटन, या कुछ भी इस तरह से आप लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं गेट बटन कर देता हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पे गेट बटन करूँगा तो देखना आप कौन सा बटन मेरे को दिखता है। फिर से मैं रन करूँगा, मिनिमाइज, यहाँ तो कुछ ना हुआ। तो हमें लिसनर भी ऐड करना पड़ेगा, हमने लिसनर तो ऐड किया नहीं है अभी, तो लिसनर ऐड कर देते हैं। अब आप देखो यहाँ पे कि मैं इसी स्टूडेंट लिसनर में एक्शन लिसनर और माउस लिसनर दोनों ही डाला हूँ। यहाँ पे मैं दोनों मैंने डाल रखा है यहाँ पे। हाँ कहा हुआ, 1 मिनट रुकना। लगभग मैं 11 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी लोग आ ही जा रहे हैं, क्या करें। देखो अब मैंने ये बना रखा था, तो ऐड रिकॉर्ड, नहीं, इस पे आता हूँ मैं, ये वाला गिलास, 1 मिनट, मैंने ये बना रखा था, तो अब इसमें आता हूँ मैं नीचे कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मैंने एनोनिमस तरीके से इस्तेमाल किया है। मैं आऊँगा नीचे यहाँ पे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊँगा इसी का, मैनेज स्टूडेंट लिसनर। ऊपर मैं आऊँगा, इसका मुझे अब ज़्यादा ज़रूरत है, एल फॉर लिसनर, ऐसे पास कर देंगे इसमें दिस, ऐसे। और यहाँ पे जो ये वाला मेथड है, इसको मैं कॉपी करके ले जाऊंगा ऊपर, एल पास कर देंगे दी, ऐसे। और ऊपर मैं जाता हूँ, इसको मारूंगा डिलीट, और यहाँ पे हम आकर के क्या कर देंगे, ऐड एक्शन परफॉर्म्ड मेथड पे। अभी यहाँ पे मैं ऐसे ही पेस्ट कर रहा हूँ, इसको मैं बदल दूंगा समय आने पे मतलब। और मैं इसे क्या करने का, इसको मैं डिलीट मारता हूँ यहाँ से। और अब मुझे क्या करना पड़ेगा, टेबल, जे टेबल चाहिए मेरे को, जे टेबल डॉट ऐड एक्शन लिसनर, क्योंकि जे टेबल पे ऐड एक्शन नहीं, सॉरी माउस लिसनर होगा, क्योंकि मुझे जे टेबल पे ही राइट क्लिक करने के बाद ओपन होना चाहिए ना, तो जे टेबल पे ही डॉट ऐड एम माउस लिसनर ओपन, और फिर एल पास कर देता हूँ मैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। राइट क्लिक मैंने किया, पर ये देखो यहाँ पे पहले मैंने क्या कि मैं ये देख लो, मैं यहाँ पे राइट क्लिक किया, 3 प्रिंट हो रहा है, और मैं सिर्फ यहाँ पे क्लिक करूँगा। हाँ वही जगह, क्या करें, जीवन में बहुत डिस्टर्बेंस है। चलिए यहाँ पे मैंने एक बार क्लिक किया, क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे 1 देखो प्रिंट हुआ है, लेकिन मैंने वही राइट क्लिक किया तो यहाँ पे 3 प्रिंट होगा, मतलब राइट क्लिक का नंबर 3 है। तो अब मुझे क्या करना है, यहीं से सारा फिल्म शुरू हो जाता है। सबसे पहले मैं माउस लिसनर पे आता हूँ, इसको मारूंगा डिलीट। अब देखो मुझे क्या करना है यहाँ पे, कि यहाँ पे बस इफ का कंडीशन लगाना है पहले, और यहाँ पे चेक करना है ई डॉट गेट बटन, गेट बटन, तो ये देखो ये इंट रिटर्न कर रहा है यहाँ पे, बटन 1 2 3, नो बटन, बटन 1 2 3, यही आ रहा है देख लो आप।
और यहाँ पे गेट और गेट बटन में माउस डॉट इवेंट बटन 1 2 3 आप लिख सकते हो ऐसा, लेकिन मैं सीधा करूँगा डबल इक्वल टू 3, मतलब राइट क्लिक हुआ है माउस का। फिर उसके बाद एंड ऑपरेटर लगाते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि हमें ये चेक कर लेता हूँ कि जे टेबल में कोई भी एक रो सिलेक्टेड है कि नहीं। सिलेक्टेड होने पर ही हमें दिखाना है। अब सिलेक्टेड होने पर ही क्यों दिखाना है, अगर बिना सिलेक्टेड हुए भी दिखा देंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा, ये मैं आगे चैप्टर में बताऊंगा आपको। तो हमें सिलेक्टेड होने पर दिखाना है। तो मैं क्या करता हूँ ना, अभी सबसे पहले जाता हूँ ऊपर, मैंने स्टूडेंट को कॉपी मारता हूँ, फिर यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल होम दबा आऊंगा ऊपर, इसको मैं कर देता हूँ पब्लिक। पब्लिक तो हो गया ये पब्लिक। अब मैं आऊंगा नीचे और यहाँ पे आएंगे डॉट टेबल, टेबल डॉट, लेकिन मैंने जे मेन्यू का क्यों पब्लिक किया, उसका यूज आगे होगा तो देखेंगे ना। डॉट गेट करो सिलेक्टेड रो, सिलेक्टेड रो सिलेक्ट करो और उसको काउंट भी करो, ये देखो काउंट है तो ये रिटर्न करेगा। यदि काउंट करो, काउंट करो सिलेक्टेड रो को, यदि वो बड़ा है किससे, जीरो से, यदि वो जीरो से बड़ा है, काउंटिंग हमने किया रो को लेकिन रो काउंटिंग किया सिलेक्टेड, अगर वो जीरो से बड़ा है मतलब ग्रेटर देन जीरो है, मतलब एक ना एक रो जे टेबल का सिलेक्टेड है। यदि काउंटिंग एक से जीरो से बड़ा है मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो हमने तो कंडीशन लगा रखा है ना जे टेबल डिजाइन करते समय कि एक बार में एक ही सिलेक्टेड हो, तो जीरो से बड़ा है मतलब एक सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे आएंगे और हम क्या करेंगे, स्टूडेंट को कॉपी मारो आप, डॉट मेन्यू डॉट शो कर दो इसको, सीधा सीधा बात है जी, शो करो और आओ नीचे, बुलियन में ट्रू फॉल्स आता है, मैं थर्ड वाले इस वाले को लूंगा, इसमें इनवोकर पर कंपोनेंट मांग रहा है, तो मैं सीधा जे टेबल दे दूंगा, स्टूडेंट डॉट टेबल पास कर दे रहा हूं मैं। फिर यहाँ पे पूछ रहा है एक्स और वाई, पोजीशन पूछ रहा है किस जगह पे ओपन होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, ई डॉट गेट एक्स वाई करोगे तो एक्स वाई मिल जाएगा, तो यहाँ पे मैं एक्स पास कर दूंगा और इसके बगल में ये वाई मांग रहा है, वाई पोजीशन की किस किस कोऑर्डिनेट पे ऊपर से और लेफ्ट से किस कोऑर्डिनेट पे दिखना चाहिए, तो मैं एक्स वाई ई डॉट गेट एक्स वाई कर दूंगा, क्योंकि जहां पे राइट क्लिक हो मेरा माउस, जहां पे राइट क्लिक हो वहीं का पोजीशन है, तो ये रन टाइम पे ही डिसाइड होगा कि कहां पे मैं क्लिक करूंगा, गेट वाई कर देता हूँ, बस मेरा काम खत्म हो गया। अब मैं आता हूँ इस पे, रन कर देता हूँ यहाँ पे, ये देखो राइट क्लिक कर रहा हूँ कुछ नहीं, राइट क्लिक किया कुछ नहीं, यहाँ पे क्लिक किया, अब राइट क्लिक किया तो ये देखो एड स्टूडेंट आ रहा है ना, एड स्टूडेंट, तो इसी तरह से मुझे एड स्टूडेंट चाहिए था। अब इसमें और मेनू ऐड करता हूँ, अब यहाँ पे आप आओ, इसमें कॉमा देता हूँ ना तो इसमें एक और कंस्ट्रक्टर है मेनू आइकन दिखने का, आइकॉन्स डॉट सक्सेस आइकन, जी मेन्यू डॉट सक्सेस आइकन, क्या सक्सेस आइकन नहीं लेगा ये, अच्छा है आइकन में ही इसको कन्वर्ट करना है हमें, आइकन टाइप का पैरामीटर लेता है, तो यहाँ पे हम इमेज आइकन पास करेंगे, इमेज आइकन, मैं आइकन्स येलो इस तरीके से दे देंगे। इमेज आइकन जो है वो आइकन का चाइल्ड है और इसको मैंने पाथ दे दिया। अब आप देखना क्या होता है, राइट क्लिक करता हूँ मैं फिर से और फिर इसको कर देता हूँ रन। अब आप देखो राइट क्लिक किया तो इसके बगल में ये टिक का साइन आ रहा है ना, तो इस तरह से आप लगा लो, इस तरह से आप इसको चाहो तो इस सॉरी इसको यहाँ से ऐसे कट करो और जो ठीक भी मैं मानता हूँ यहाँ पे पेस्ट कर दो ऐसे, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और ये अच्छा तरीका मुझे लगता है, एनोनिमस तरीके से ऑब्जेक्ट बना लो।
ये मेमोरी गार्बेज कलेक्शन वगैरह पॉइंट ऑफ व्यू से लोग ऐसे लिखते हैं कोड। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिलीट स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट, डिलीट में सक्सेस की जगह पे एरर का आइकन दे देंगे, एरर आइकन यहाँ पे है तो एरर आइकन दे देंगे। फिर आप चाहो तो आप अपडेट के लिए भी यहाँ पे लिख दो ऐसे। अपडेट के लिए मेरे पास तो कोई अभी आइकन नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको छोड़ दूंगा, डेली स्टूडेंट की जगह पे अपडेट स्टूडेंट कर दूंगा, अपडेट रन करता हूँ, देखते हैं कैसा दिखता है। अभी देखो राइट क्लिक किया, ये आ रहा है। ये डिलीट वाला जो आइकन है वो थोड़ा बड़ा हो रहा है, मुझे छोटा आइकन लेना चाहिए था लेकिन अभी मेरे पास है नहीं, तो मैंने यही आइकन छोड़ दिया है। अभी ये इस तरह से भी दिख रहा है, अगर ये छोटा आइकन होता थोड़ा सा तो ये और अच्छा दिखता, लेकिन अब मैं कोई उतना प्लानिंग करके तो बैठा नहीं, जो है बस पावर बटन दबाया, शुरू कर दिया कंप्यूटर ओपन करके जो आइकन था। तो आप छोटा रख सकते हो जो है, लेकिन एक बात और ध्यान दो, जो है ये सारा डेटा फेक है, मैं बता देता हूँ भाई, इसका कोई रियलिटी से संबंध नहीं है। जैसे फिल्मों में बोला जाता है ये कहानी काल्पनिक है, क्योंकि ये किसी का नाम वाम हो जाए तो फादर नेम मदर नेम मेल फीमेल मोबाइल नंबर, तो ये फेक है डेटा भाई पहले। और अब मुद्दे की बात ये देखो कि ये जो आइटम है ना, इसके बीच में अगर आप चाहो तो लाइनिंग दे सकते हो, मतलब सेपरेटर। वो कैसे सेपरेटर होगा मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मुझे देना, तो यहाँ पे ऐड सेपरेटर है, ऐसे हो गया सेपरेटर, और यहाँ पे ऐड सेपरेटर। अब राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से ये देख लो, राइट क्लिक सेलेक्ट, राइट क्लिक, तो ये देखो लाइनिंग आ रहा है ना सब में, तो ये ठीक से लाइनिंग आ रहा है, ये इस तरह से सेपरेटर बनता है। तो हम राइट क्लिक करके इस तरह से काम कर सकते हैं। अब इस पे क्लिक करेंगे तो ऐड स्टूडेंट वाला बॉक्स खुलना चाहिए। देखो यहाँ पे क्लिक करने पे जो बॉक्स खुलता है ना, यही बॉक्स मैं खोलूंगा कहाँ पे, राइट क्लिक करके ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करने पे। तो इन सभी पे एक्शन परफॉर्म हम करेंगे लेटर ऑन, कि इस पे क्लिक करने पे क्या कैसे खुलेगा, इस पे हम अगले वीडियो में काम करेंगे। आज के लिए इतना छोड़ो यार, 17 मिनट इतने ही में हो गया, क्या करें, कुछ लोग बीच में डिस्टर्ब करने भी आ जाते हैं। चलो ठीक है, गुड नाइट।